दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आप नेताओं के उत्पीड़न के लिए केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की और इसे खुलेआम गुंडागर्दी बताया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक अमंतुल्लाह खान के आवास पर ईडी की तलाशी के संबंध में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने दावा किया है कि जांच एजेंसी को कथित धन शोधन मामले में उनकी पार्टी के नेता के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। आज आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सुबह करीब 6:15 बजे हमारे ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान साहब के यहाँ केंद्र सरकार की ईडी छापा मारने पहुँची थी और ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है, एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है, एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को, वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें, अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया, वहां भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है, उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सजा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी, मुकदमा तो चले, तय तो हो कि किसकी गलती है अगर इरेगुलरिटी है भी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।